Hello, assalamu alaikum. This is me, Amara Amin, and today I'm going to talk about the major girl issue, which is like facial hairs. हमारे ना एक बात तो ये नेचुरल है कि फेशियल हेयर्स होना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग. हम लोग एशियन लड़कियां हैं, लाइक ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम लोग की बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, बाजुओं पे, वट एवर, लेट्स स्किप इट. तो हेयर रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग के पास आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइक थ्रेडिंग से. तो थ्रेडिंग जो होती है ना वो इंतहाई पेनफुल है. लाइक मैं तो थ्रेडिंग मैं बिल्कुल नहीं करवा सकती. लाइक मैं अपर लिप्स बनाती हूँ और वो भी मैं चीके मार मार के बनवाती हूँ और आईब्रोज, दैट्स इट. इसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास वैक्सिंग का. अब वैक्सिंग में फेस पे अगर आप वैक्स करते हैं ना तो बहुत समटाइम्स या बहुत से लड़कियों के साथ, इनफैक्ट मेरे अपने साथ भी होता था कि अगर मैं फेस पे या साइड्स पे ये जो बाल आ जाते हैं, लाइक वो जैसे हम वो करते हैं ना स्किन पॉलिश या ब्लीच वगैरह कर लो तो पूरी गोल्डन लाइन आ रही होती है, और अगर आप उसके ऊपर मेकअप कर लो तो वो और ज़्यादा बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है. तो उसके ऊपर अगर मैं वैक्स करती थी तो छोटे छोटे बारीक दाने ऊपर बन जाते थे ना, और वो इतना इरिटेटिंग और इतना पेनफुल है कि यार आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन टू डू दैट. कुछ लोग होते हैं वो कर सकते हैं. अच्छा, तो मैं बता रही थी कि हाँ, फेशियल हेयर्स रिमूव करने के जो है ना फिर और बहुत सारे तरीके हैं. यार सबसे पहले तो ना उस बात पे भी, रिमूव करने वाली बात पे भी बाद में जाते हैं. सबसे पहले तो यार इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, सब लड़कियों के होते हैं और किसी के नहीं होते, दे आर वेरी लकी. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हर लड़कियों के होते हैं और उसको रिमूव करने के लिए सब बहुत चीज़ें करते हैं. आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है ये टिंकल, मैंने भी ये परचेज किया है और दिस इज़ लिटरली गुड. लाइक यार वाकई ये अच्छी चीज़ है ना. मैंने आपको इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इसके बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे और लिटरली ये अच्छी चीज़ है. मैंने भी इसलिए रखी हुई है कि मतलब अर्जेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल जल्दी आपको तैयार होना है मेकअप करना है और आपको थ्रेडिंग का आपके पास टाइम नहीं है फोरहेड के ऊपर, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है. ये इतना स्मूथ और ब्रश इफेक्ट देता है ना, लाइक आपको मेकअप करने के बाद जब आपको ऊपर देखते हो ना तो बिल्कुल ब्रश इफेक्ट होता है. और अगर आपके मुँह पर बाल हो और इसके ऊपर आप मेकअप करो तो बड़ा बुरा लगता है. एक और चीज़ है, दिस इज एपिलेटर. बेसिकली मैं आज इसको रिव्यू करना चाह रही थी. अब मैं आपको अपने रिकमेंडेशन बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ. मैं एपिलेटर पिछले 2-3 सालों से, बल्कि तीन से भी ज़्यादा, 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये वाकई बहुत अच्छा है. जब मैंने ये खरीदा था ना तब इसके प्राइस थे 1500 रुपीज़. लाइक मैं ऐसे अपनी लोकल मार्केट में एक कॉस्मेटिक शॉप से लेकर आई थी और ना वापसी के रास्ते में ना मैं सोच रही थी कि यार ये मैंने जो है ना पैसे ज़ाया किए हैं, तो मतलब ये एडिंग चलना भी नहीं है. और सच में इसकी इतनी अच्छी बैटरी टाइमिंग है, लाइक ये इसका चार्जर है साथ, मतलब ये ऑब्वियसली बैटरी ऑपरेटेड है, और मैं इसको कम से कम कोई 6 महीने में एक दफ़ा चार्ज करती हूँ, बस दैट्स इट. इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. अब बेसिकली हुआ ये कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान आ रही थी तो मैं बाकी सारी वहीं छोड़ आई, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ करती हूँ, ये वाला जो इसका है, आई होप नज़र आ रहा होगा. और मैं ये यूज़ करती हूँ तो मैं सिर्फ ये उठा के लाई हूँ. बाकी इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर. एपिलेटर बेसिकली दूसरा होता है, ये शेवर है और मैं फेस पे भी ये यूज़ करती हूँ. और इसके मुझे पर्सनली किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए. ऑब्वियसली अगर मैं 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ, अगर मुझे कोई मसला होता तो ऑब्वियसली मैं चेंज करती, लेकिन ये बड़ी फिट चीज़ है. अब इसको तरीका, इसको बेसिकली इस्तेमाल करने का तरीका आपने और भी बहुत सारी जगह देखा होगा. इसको ये होता है कि आपने सबसे पहले तो कोई मॉइस्चराइज़र लेना है. लाइक मेरे पास यहाँ निविया का मॉइस्चराइज़र है, उसको आपने अच्छी तरह फेस पे अप्लाई करना है और आफ्टर दैट आपने ये लेना है और इसको नीचे वाली पोजिशन में थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करके और इस तरह फेर लेना है. और मैं आपको टिश्यू से चेक करवाती हूँ. लाइक मेरा तो टेंट भी साथ उतर गया लेकिन ये जो है ना पूरा बकायदा पूरी हेयर्स जो बारीक बाल होते हैं ना वो सारा उतार लेता है और बहुत इफेक्टिव और फास्ट चीज़ है ये. ठीक है, लाइक ये पूरा. आफ्टर दैट जो ये है ना, इसको यार आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने सिर्फ इसको ऑन करना है और आपने ये फेर लेना. एंड दैट्स इट, बस इसको ये. और इसके साथ में इसका एक ब्रश मिलता है ये, और फिर हम इसको क्लीन करके रख सकते हैं. उफ, इसके अंदर मैंने दिखाया नहीं लेकिन बहुत सारे बाल थे.
मेरे पास ये एपिलेटर ब्राउन्स का है, लाइक ब्राउन्स कंपनी का, और ये बहुत अच्छा चल रहा है. लाइक मैं आपको बताया कि मैंने 3-4 साल से मेरे पास यही है और ये बहुत अच्छा चल रहा है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था. आजकल भी इसके प्राइस जो है ना, मैंने अभी चेक किए थे तो इसके प्राइस अराउंड 3,000 to 4,000 या 3,500 to 3,600 इसके अराउंड अबाउट आपको मिल जाएगा. और सच में अगर आप इसको एक दफ़ा फेस पर फेरते हैं ना, इतना स्मूथ हो जाता है और बिल्कुल लाइक हाँ. और एक और बात कि यार ये जो है ना, ये मशीन आपके बाल जड़ से नहीं उतारती, ठीक है? आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मुझे पर्सनली ऐसे नहीं लगा कि मेरी हेयर ग्रोथ कोई ज्यादा हो गई है. सब कोई हॉर्मोन्स टू हॉर्मोन्स वेरी करता होता है, लेकिन मेरी हेयर ग्रोथ बिल्कुल वैसी है जैसे पहले होती थी. बेशक आप टिंकल यूज करें या फिर आप ये एपिलेटर यूज करें. और जो इसका दूसरा है ना, वो ट्यूजर्स वाला, वो बेसिकली वो एपिलेटर होता है, मैं इसको एपिलेटर बोल रही हूँ, तो वो जो है ना, वो डायरेक्ट जड़ से बाल प्लक कर लेता है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू, आपने कहीं भी, वो थोड़े से पेनफुल होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जड़ से बाल प्लक कर लेता है. तो वो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी इतनी पेन बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो आप करें, अदरवाइज मेरे लिए तो यार ये सबसे बेस्ट है, ठीक है? और मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जो है ना, मतलब ये जड़ से बाल नहीं प्लग करता ना, लाइक ये सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लियर कर देता है. बाकी अब बात आ जाती है कि आपको मिलेगा कहाँ से. मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी एक लोकल मार्केट की कॉस्मेटिक शॉप से लिया था. आप मार्केट में पता कर लें, अदरवाइज आपको ये ऑनलाइन भी जो है ना, आप सर्च करके लिख लें एपिलेटर, और वो मैंने ऑनलाइन ही चेक किया था, वो आपको ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएगा, अवेलेबल है. और सेकेंडली आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर पेन. मतलब जितना आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं. और लेकिन ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल पेनलेस है, लाइक बिल्कुल पेन फ्री है ये भी और ये भी. बाकी मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका दूसरा पार्ट है ना, वो थोड़ा सा लाइक वो थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा पेनफुल है. और मेरी तरफ से ऑनेस्टली यार, आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन टू गो फॉर लाइक वैक्सिंग, बिकॉज दैट इज़ वेरी पेनफुल. और मैंने आपको बताया कि उससे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं फेस पे, समटाइम्स एलर्जी हो जाती है, बहुत से लोगों को हो जाती है, जिनको नहीं होती वो दे आर वेरी लकी. और अबाउट थ्रेडिंग, तो ऑब्वियसली यार उसके लिए भी आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती है. मतलब खुद तो बंदा कितनी कर सकता है, मैं तो ये भी करती हूँ इतनी मुश्किल से. तो अगर आपके पास टाइम कम है या आपको कोई फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट तरीका चाहिए, तो ये दोनों चीजें मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है. अब यू कैन यूज दिस ऑन, मैं फोरहेड इससे साफ करती हूँ. और लाइक फोरहेड जो है ना, मतलब ये जो आपने ऊपर से शेप देनी होती है ऑब्वियसली आईब्रोज को, तो वो मैं इससे यूज करती हूँ. और बाकी पूरे फेस के ऊपर मैं ये यूज करती हूँ. तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है. तो ये मेरी तरफ से सारा कुछ था जो मेरे जहन में इस टाइम आना था. मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर दी है. इफ यू गाइस स्टिल हैव एनी मोर फर्दर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी और आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल. और दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय. मिट्टी तो नहीं है ना, एक तो यार ब्लैक फर्नीचर और मिट्टी इनके ऊपर. तौबा, चलो दूर फिट है. मूव. और कोई बात मैंने मिस तो नहीं की.